हेलो गाइस, किच इंडिया में रिक्वायरमेंट आई हुई है काफ़ी सारी सिविल इंजीनियर्स की। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन कर लेना है जो है jobskichindia.com। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है करंट ओपनिंग में क्लिक करना है। ठीक है, इसमें हमने कर दिया क्लिक। तो ये एक विंडो खुलेगा जिसमें आपको सारी ओपनिंग्स दिखाई देंगी। जैसे कि करंट ओपनिंग टोटल 11 आई हुई हैं, उसमें से सिर्फ पहली जो है चंडीगढ़ में है, सीनियर एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है जिसकी पर एनम सैलरी ये होने वाली है। लोकेशन बेंगलोर, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट। चलिए, इसे हमें देखना नहीं है, हमें सिविल साइट इंजीनियर की बात करनी है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट भी आप देख लीजिए, चंडीगढ़ में ये आई हुई है। तो नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं साइट इंजीनियर सिविल, ठीक है, जो कि राजकोट में आई हुई है रिक्वायरमेंट। इस पर हम करेंगे क्लिक रीड मोर पे। ठीक, रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो इसका जो भी है सब कुछ खुल के आ जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मॉड्यूलर सिस्टम रेलिंग्स ऑफ कंपनी इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटल, होटल एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फ्रॉम इनिशियल साइट विजिट टू फाइनल इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन साइट। ठीक है, तो बेसिकली बात किया जाए तो इसमें रेलिंग्स जो भी मॉड्यूलर सिस्टम यूज होना है उस पर इस पर काम कराना है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप देख सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फर्स्ट चॉइस। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ रेलिंग, रेलिंग का मेजरमेंट अगर रेलिंग का काम कराएं आप तो। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। कंप्यूटर नॉलेज में आपको ऑटोकैड 2D आना चाहिए और मस्ट बी एबल टू रीड ऑटोकैड ड्राइंग, मतलब ऑटोकैड ड्राइंग आपको रीड करने आना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स क्या है, हिंदी एंड गुजराती आपको आनी चाहिए, हिंदी या फिर गुजराती। ठीक है, लॉजिकल एनालिटिकल टीम मैनेजिंग कोऑर्डिनेट स्किल, ये सब आपके अंदर स्किल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब कुछ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई पे क्लिक करके। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आप नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, करेंट लोकेशन, टोटल एक्सपीरियंस और CV अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं और बाकी अदर जॉब के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब लेके। ठीक है।